हमें कार्रवाई यहीं पे रोकनी होगी। जो ये व्यक्ति देशद्रोह का काम कर रहे हैं उनको एक चेतावनी देनी होगी कि आज के बाद हम ये नहीं सहेंगे। हम खड़े हैं सैनिक के पीछे, हम खड़े हैं अपने भाई के पीछे। प्रिय दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो कि राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के नाम हैं, लेकिन इस देश में बहुत ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये भरुए को देखिए स्क्रीन पर, देशद्रोही दुष्ट, देश के खिलाफ ये बातें करते हैं, देश की सेना पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमारे देश के खिलाफ ये जहर उगलते हैं जिसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। हम अपने देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि इन लोभी लालची भ्रष्टाचारी विभिन्न नेताओं को जो विभिन्न पार्टियों से आते हैं उन पर विश्वास नहीं करें और आप खुद निर्णय लें कि आपका देश का सेवक कौन है, आपकी देश का अखंडता एकता के लिए कौन कार्य कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने मिट्टी की सौगंध लेता है, ए भारत माता जब तक मैं है तुम्हारा सर झुकेगा नहीं, तुम्हारी गौरव गरिमा मर्यादा के लिए मैंने तन धन मन सब समर्पित किया है और दिल दिया है, जहाँ भी देंगे ए वतन मेरे लिए। और ऐसे चैनल को चलाने वाले महान व्यक्ति को भी मैं सलूट करता हूँ जो कि अपने देश की गौरव गरिमा की गाथा लोगों तक पहुंचाते हैं, सुनाते हैं और उनको अवगत करते हैं अपने भारतीयता के बारे में। प्रिय दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के जो एंकर्स हैं वो लोग इन हिजड़ों को कभी भी अपने चैनल में निमंत्रित नहीं करें और उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं हो, उनके साथ कोई भी डिबेट नहीं हो, क्योंकि इन हिजड़ों को, इन देशद्रोहियों को आप बोलने का मौका देते हैं। खास के मैं अपने प्रिय दोस्त अर्नब गोस्वामी साहब से और उनके जो चैनल हैं रिपब्लिक भारत में जो विद्रोहियों को बुलाते हैं, देशद्रोहियों को बुलाते हैं और उनकी जली कटी देशद्रोही बातें हमें सुनाते हैं, हमको बहुत दुख होता है। इन देशद्रोहियों की जवान बंद कर देनी चाहिए। अगर हमारी बहन, हमारी देश की मान मर्यादा वाली इंदिरा गांधी होती तो इन हिजड़ों को ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजते जैसे कि हिटलर ने भेजा था जीव्स को। ये जीव्स हैं और यहाँ हिटलर की आवश्यकता है और वो थी हमारी भारत माता की सुपुत्री इंदिरा गांधी। लेकिन देश बदल गया है, ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है और इसमें सहनशीलता का पालन करते हुए, उनकी वाणी की आजादी देते हुए जली कटी बोलने वाले ये देश के प्रधानमंत्री चोर हैं। इस सेना, हमारे देश का सेना झूठ बोलता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता है, ये एकांत आतंकवादियों के जगह पर कोई भी गोला बारूद नहीं किया, अनेक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हे भारत के बेटी और बेटों, हे भारत माता की संतान बहनों और भाइयों, आप जागिए, हमें एकता की आवश्यकता है। लेकिन ये भटके हुए भरुओं की आवाज सुनना नहीं है और ये हमारे एंकर्स भी इस बात को सुने, इन भरुओं और हिजड़ों को हमें मत सुनने दीजिए। हमें विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक कहानियां सुनाइए और हमारे भारत के बच्चों में देश प्रेम पैदा करिए। इन हिजड़ों को, इन रावण और कंस को, इन जयचंद को हमें मत सुनवाइए, क्योंकि हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी जली कुटी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि भारत माता की कोख में ये कैसा अत्याचारी दुराचारी दुष्ट पैदा लिया जो पाकिस्तानी की भाषा बोलता है। हम तो पाकिस्तानी के बहनों और भाइयों के लिए भी जय जयकार सुनना चाहते हैं। हम तो मातृवत सर्वभूतेषु, मातृवत पर देश, हम तो आत्म सर्वभूतेषु की भावना से प्रेरित है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रचित है। बॉटम लाइन, हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल चैनल्स
इन देशद्रोहियों को अपने डिबेट चैनल में मत बुलाइए, वो समय का दुरुपयोग है। हमारे एक देश के महान एंकर हैं चौधरी साहब, सुधीर चौधरी, वो हमें सत्य से अवगत कराते हैं। उस तरह के आप लोग भी चैनल में सत्य बताइए कि सच्चाई क्या है, और इनसे डिबेट क्या करेंगे। सच तो बदलेगा नहीं, वो सच को भी झूठलाना चाहते हैं। इसीलिए नम्र निवेदन है, एंकर उन लोगों को ही बुलाइए जो देशभक्ति की भाषा बोलते हैं, जो सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की गाथा गाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की कथा सुनाते हैं। इन हिजड़ों और भरुओं को बुला के, इस देशद्रोहियों और आतंकवादियों को बुला के हमें उनकी कटुवाणी से मुक्ति दिलाइए। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, धन्यवाद। 2014